equal to 0. X plus 4 is equal to 0. So x is equal to minus 4. 2x minus 3 is equal to 0. So 2x is equal to 3. X is equal to 3 by 3. फिर एक चीज ध्यान रखेंगे हमारी, क्या अगर लेफ्ट हैंड साइड में आर एच एन प्लस का साइन है, आर एच एन जाएगा माइनस का हो जाएगा. अगर यह माइनस है आर एच एन जाएगा प्लस का हो जाएगा. अगर यह मल्टीप्लाई है आर एच एन जाएगा डिवाइड का हो जाएगा. अगर यह डिवाइड है आर एच एन जाएगा प्लस का जाएगा मल्टीप्लाई. मीन्स क्या साइन जस्ट क्या हो जाएगा अपोजिट. अगर 22 पर सदन का है अगर आर एच एन से इस तरफ आया तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, मल्टीप्लाई का सॉरी डिवाइड का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का डिवाइड. अब यहां तक तो ये हो गया. अब देखेंगे हम बैलेंस की. अच्छा एक चीज और समझ लेते हैं कि x क्या है. x पावर 3 2 तो दो रूट्स निकले ना हमारे. दो अगर x पावर 3 होते तो 3 रूट्स निकलते. अगर x पावर 4 होते तो क्या 4 रूट निकलते. मींस क्या जितनी पावर हो गई इक्वेशन पे उतनी हमारे क्या हुए 0 या रूट. इसको मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4 आया, बीटा इज इक्वल टू क्या है 3 बाई 2 स्टार्ट. अब देखिए वेरीफाई कराएंगे रूट्स को जीरो से. वेरीफाई कैसे. अब इसका पहले निकालें अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इसको कंपेयर कराएं ए इक्वल टू कितना 2, बी इक्वल टू कितना 5, सी इक्वल टू कितना माइनस 12. मैंने पहले भी कहा था कि विद साइन के लिए साइन का हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा माइनस 12. तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, माइनस बी यानी माइनस 5. ए कितना है 2, 5 बाई 2. अब इधर से वेरीफाई करेंगे अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस 2, बीटा की वैल्यू कितनी 3 बाई 2. एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 1 से 2 डिवाइड होगा 2, 2 माइनस 8 प्लस 2 से 2 डिवाइड होगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 3 होगा 3 यानी कि माइनस 5 बाई 3 सॉरी माइनस 5 बाई 2 इक्वल टू माइनस 5 बाई 2. वेरीफाई हो गया यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो इस इक्वेशन का है और दोनों ने रूट्स निकाले वो भी हमारा क्या हो गया एक जैसा आ गया. अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी अपॉन ए यानी माइनस 12 अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा माइनस 6. इधर रखें अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा का वैल्यू माइनस 4 इंटू बीटा 3 बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 6 लाना है. तो 2 टू जा 4 3 टू जा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6. ये क्या हो गया रूट्स का वेरिफिकेशन. जो हमारे रूट्स निकले थे उन्होंने इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा करके कर दिया वेरिफिकेशन.